Hello, welcome to Arvind Singh Academy. We are discussing some basic concept of kinesthetic, and this is a video lecture number 9. I hope you have already watched part 1 to part 8 before watching part 9. In this lecture, we are going to discuss about the molecular formula and empirical formula. So let us discuss this. What is empirical formula and what is molecular formula and how they are correlated? Empirical formula और molecular formula में क्या relation है और ये है क्या? तो empirical formula के बारे में ये कह सकते हैं कि ये जो होता है empirical formula, ये जो जो atoms यानी जो भी atoms present है किसी compound में उनके simplest ratio के बारे में बताता है, ratio के बारे में बताता है यानी कौन किस ratio में और हर एक atom की ratio उसमें represent होती है। इससे एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स का पता नहीं चलता। जैसे मैं ये कह दूं कि ए की और बी की इनकम की रेशियो 2:3, इसका मतलब अगर ए की इनकम 2 रुपए है तो बी की इनकम 3 रुपए है, ए की इनकम 200 है तो बी की इनकम 300 है, ए की इनकम 2000 है तो बी की इनकम 3000 है, लेकिन कितना है एग्जैक्टली ये नहीं पता चलेगा, ये इससे पता नहीं चलेगा इस रेशियो को देने से। तो उसी तरह से एम्पिरिकल फॉर्मूला में एटम्स के सिंपलेस्ट रेशियो के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है और इससे एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स इन दैट कंपाउंड कैन नॉट बी ऑब्टेन, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स पता नहीं चलता कि कितने हैं, बट उनकी रेशियो पता चलती है। जबकि मोलिकुलर फॉर्मूला में क्या होता है कि एग्जैक्ट कितने एटम्स उसमें प्रेजेंट हैं ये बात पता चल जाता है। ठीक है, तो यही दोनों में फर्क है। अगर मोलिकुलर फॉर्मूला में एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स पता चल जाता है कि किसी कंपाउंड में कितने एटम्स हैं किसी एलिमेंट के, और इम्पेरिकल फॉर्मूला में सिर्फ उनकी रेशियो पता चलती है। तो इम्पेरिकल फॉर्मूला में क्या है, रेशियो है। सो लेट अस राइट हियर डेफिनेशन। इम्पेरिकल फॉर्मूला, इम्पेरिकल फॉर्मूला What is empirical formula? Empirical formula is empirical formula of a compound. We can write here empirical formula formula of a compound represent the simplest ratio of the atoms of elements present in the compound, right? ये इसका डेफिनेशन हो सकता है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड। तो ये कैसे होता है, जैसे मैं मान लो कि कोई एक एलिमेंट्स है जो ये कहे कि कार्बन हाइड्रोजन और क्लोरीन से बना है, कार्बन हाइड्रोजन और क्लोरीन से बना है, तो उसमें कार्बन एक एटम है और उसके एक एटम कार्बन के साथ हाइड्रोजन के 2 एटम हैं तो और क्लोरीन के 1 एटम है, तो हम उसे लिख देंगे CH2Cl। ठीक है, CH2Cl, ये हो गया इम्पेरिकल फॉर्मूला। इम्पेरिकल फॉर्मूला इस फॉर्म में, ये एग्जैक्ट नहीं है, ये कहीं पर भी ये कंपाउंड इस तरह का नहीं बन सकता क्योंकि ये पूरा फॉर्मूला हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, कार्बन के जो होते हैं वो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए उसे बाहर से 4 एटम की सपोर्ट की जरूरत होती है, यहाँ पे 2 और 1 3 ही है। तो ये एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है, ये एक इम्पेरिकल फॉर्मूला है। ठीक है, ऐसे ही अगर ग्लूकोज का फॉर्मूला है तो ग्लूकोज के फॉर्मूला C6H12O6 है, C6H12O6, अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाए तो ये इसका मोलिकुलर फॉर्मूला है, मोलिकुलर फॉर्मूला है किसी ग्लूकोज का,
लाइक दिस। अब इसको इंपेरिकल फॉर्मूला इसका क्या हो सकता है, CH2O, क्योंकि एक कार्बन है तो उसके दोगुने क्या है, हाइड्रोजन, और जितने कार्बन है उतने ही ऑक्सीजन है। तो इनकी सिंपलेस्ट रेशियो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो क्या है, यहाँ पे 1:2:1 है। तो ये इसका इंपेरिकल फॉर्मूला होगा, इंपेरिकल फॉर्मूला होगा। तो इंपेरिकल फॉर्मूला में क्या होता है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में इनकी रेशियो होती है, जो एटम्स हैं उनकी सिंपलेस्ट रेशियो होती है, और इससे एग्जैक्ट फॉर्मूला का पता नहीं चलता। जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या होता है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स का पता चल जाता है। जैसे यहाँ पे कार्बन के 6 एलिमेंट है, ये बात पता चल रही है, हाइड्रोजन के 12 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के 6 एटम्स हैं। कार्बन के 6 एटम, हाइड्रोजन के 12 एटम और ऑक्सीजन के 6 एटम हैं, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में ये बात पता चल रहा है। लेकिन इसमें ये भी नहीं पता चल रहा है कि कार्बन के एक्चुअल में एटम है कितने। सो इंपेरिकल फॉर्मूला जस्ट ऑफ ए कंपाउंड रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द एटम्स, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड। इट विल नॉट रिवील द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड। सो वेयर इट एग्जैक्टली रिवील, इट इज एग्जैक्टली रिवील इन द मोलिकुलर फॉर्मूला। सो वेयर एज मोलिकुलर फॉर्मूला, व्हाट इज मोलिकुलर फॉर्मूला, राइट, मोलिकुलर फॉर्मूला, द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड, इन दैट कंपाउंड कंपाउंड राइट ना, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड। सो द क्वेश्चन इज हाउ, फॉर एग्जाम्पल, अभी पिछला एग्जाम्पल हमने लिया था C6H12O6, C6H12O6, दिस इज ए मोलिकुलर फॉर्मूला, O6 दिस इज ए मोलिकुलर फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला है ना। और ये क्या है, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है, CH2O इज द इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला। इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ खास एलिमेंट से रेशियो है, जैसे हम कहते थे कि मोहन और सोहन की इनकम जो है वो 5:4 की रेशियो में है, और अगर दोनों का मिला के 9,000 इनकम है तो बताइए मोहन की कितनी है। सो व्हाट वी से दैट 5x+4x इज 9,000 एंड एक्स इज व्हाट, एक्स इज समथिंग व्हिच इज कांस्टेंट। सो इफ यू मल्टीप्लाई बाय ए कांस्टेंट यू विल गेट द एग्जैक्ट वैल्यू। 5x+4x इज 9x, 9x इज 9,000, सो x इज इक्वल टू 1,000। ये 1,000 जो है वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पे रेशियो में एग्जैक्ट वैल्यू निकल जाती है। तो यहाँ पर भी इंपेरिकल फॉर्मूला चूंकि रेशियो में है, इसमें अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये क्या हो जाएगा, मोलिकुलर फॉर्मूला। इसका अर्थ ये हुआ कि मोलिकुलर फॉर्मूला इज नथिंग एल्स बट एन टाइम्स, एन कोई कॉन्स्टेंट है, एन टाइम्स ऑफ इम्पेरिकल फॉर्मूला, इम्पेरिकल फॉर्मूला राइट। यानी ये भी कह सकते हैं कि एन इज इक्वल टू क्या होता है, मोलेकुलर फॉर्मूला डिवाइडेड बाई इम्पेरिकल फॉर्मूला, फॉर्मूला। तो ये एन पता करना होगा, यानी किसी भी मोलेकुलर फॉर्मूला को पता करना हो तो इम्पेरिकल फॉर्मूला में एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये एन क्या है, कांस्टेंट है, और ये एन निकालना हमारी सबसे ज्यादा जरूरी काम है। एन कैसे निकालेंगे, ये निकालना ही सबसे ज्यादा जरूरी काम है हमारे इस पूरी के पूरी एपिसोड। तो
इन कैसे निकालेंगे, मोलिकुलर फॉर्मूला में क्या होता है, एक्चुअल नंबर ऑफ, इसमें जो पता चलता है हमें वो एक्चुअल नंबर पता चल जाता है। ये देखिए एक्चुअल नंबर पता चलता है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स पता चलते हैं, और उसमें क्या होता है, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स पता चलता है। तो आइए सीखते हैं कि हम इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे डिराइव करें, और सबसे पहले कि इंपेरिकल फॉर्मूला डिराइव कैसे करें, और उसके बाद कि इंपेरिकल फॉर्मूला से मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे निकालें, यही आज हमें सीखना है। ठीक है, तो इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे किसी भी सब्सटेंस का, अगर उसका मास परसेंटेज हमें पता हो, यानी किसी कंपाउंड में उसका हर एक एलिमेंट का कितना परसेंट मास है, अगर मास परसेंट पता हो तो हम इंपेरिकल फॉर्मूला पता कर सकते हैं। तो आइए एक एग्जांपल के जरिए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं, है ना। तो एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज कीजिए कि ये लिखा है क्वेश्चन, एक कंपाउंड कंटेन 4.07% ऑफ हाइड्रोजन, राइट, 24.27% ऑफ कार्बन एंड 71.65% ऑफ क्लोरीन। If the molar mass of compound is 98.96 gram, find the empirical formula and molecular formula ऑफ कंपाउंड ये हमें बताना कैसे करेंगे। इसमें सब ये परसेंटेज में लिखा हुआ है, राइट, ये इतना परसेंट उसमें हाइड्रोजन है, इतना परसेंट कार्बन है, और बाकी के क्या है, ये बाकी के जो है वो बाकी के जो है वो क्लोरीन है। तो तीन डिफरेंट तरह के कंपाउंड इसमें मिक्स्ड है, एक हाइड्रोजन, दूसरा कार्बन और तीसरा क्लोरीन। अब इनकी मास परसेंटेज के हिसाब से हमें कैलकुलेट करना है कि ये कितना होगा। ठीक है, तो लगभग ये पूरे 100% हो गए, ये 99.99% है, क्योंकि बाद के एग्जैक्ट डाटा इसमें लिखा नहीं है। सो ये टोटल जो हो गया वो 100% का हिस्सेदारी है। अब इसमें मास परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100। तो सॉल्यूशन के लिए क्या करना, सबसे पहले इसमें कुछ स्टेप्स होंगे जो आपको लेने होंगे। फर्स्ट स्टेप ये है कि कन्वर्ट कन्वर्ट परसेंटेज मास टू मास इन ग्राम। ठीक है, तो अगर ये मैं मान लूं कि 4.07%, सुविधा के लिए हम ये मान लेते हैं कि 100 ग्राम्स, सो 100 ग्राम्स में कितना होगा हाइड्रोजन, 4.7 ग्राम। सो इफ सपोज द टोटल कंपाउंड वेट ऑफ कंपाउंड इज 100 ग्राम, लेट टोटल वेट ऑफ कंपाउंड इज 100 ग्राम, लेट टोटल वेट ऑफ कंपाउंड इज 100 ग्राम, कंपाउंड इज 100 ग्राम। सो वेट ऑफ हाइड्रोजन व्हाट इज दैट, सो देयरफॉर मास ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन इज 4.07 ग्राम। मास ऑफ हाइड्रोजन, हियर आई शुड राइट हियर मास, इन फैक्ट वेट, इंस्टेड ऑफ वेट आई शुड राइट हियर मास, मास, राइट ना। सो मास ऑफ हाइड्रोजन इज दिस, मास ऑफ कार्बन इज हाउ मच, मास ऑफ कार्बन इज 24.27 ग्राम, एंड मास ऑफ क्लोरीन वुड बी व्हाट, मास ऑफ क्लोरीन वुड बी
मास ऑफ क्लोरीन इज 671.65 ग्राम। तो ये पहले हमने कैलकुलेट कर लिया कि क्या है। अब दूसरा स्टेप क्या है कि हम इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। सो वी विल फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन दिस मास। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, आपको याद है कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते थे? नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए गिवन मास में एटॉमिक मास से डिवाइड करते थे, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। सो नंबर ऑफ मोल्स अगर हाइड्रोजन का निकालना हो तो ये जो गिवन मास है इसमें हाइड्रोजन के मास से हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन के एटॉमिक मास से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से हमें निकल जाएगा क्या, तो मोल्स। तो स्टेप टू क्या हुआ, स्टेप टू हुआ कन्वर्ट द मास इन ग्राम इनटू मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इच एटम प्रेजेंट इन द कंपाउंड, प्रेजेंट इन द कंपाउंड, ठीक है। तो ये काम करेंगे, तो पहले आप लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का अगर हम नंबर ऑफ मोल्स निकालें तो क्या करना होगा हमें, 4.07 डिवाइडेड बाय 4.07 डिवाइडेड बाय 1.008, इससे निकल जाएगा। आपको याद है ना क्या फॉर्मूला, यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा सा याद भी आ जाएगा कि गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, है ना, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास जो है हाइड्रोजन का वो है कितना, 1.008। तो 4.07 डिवाइडेड बाय 1.008 और ये डिवाइड करेंगे तो 4.04 मोल आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम डिवाइड करें तो नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स ऑफ कार्बन, कार्बन का नंबर ऑफ मोल्स निकाला जाए तो कितना आएगा। कार्बन का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो ये कार्बन का गिवन मास, गिवन मास कार्बन का कितना था, 24.27, राइट ना। सो 24.27 डिवाइडेड बाय कार्बन का एटॉमिक वेट 12.011। तो इससे अगर डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसी तरह से ये हो जाएगा 2.02। एंड नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन तो ये आ जाएगा कितना, क्लोरीन का क्या है, 71.65 डिवाइडेड बाई 35.5। तो ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा लगभग 2.02। अब आप देखिए कि इनकी रेशियो हमें निकालनी है। स्टेप थ्री क्या है कि इनकी रेशियो है, यानी रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से हम सबको डिवाइड कर देते हैं। अगर ये होल नंबर आता है तो वही रेशियो होगी, अगर ये होल नंबर नहीं आता है तो हम उसे होल नंबर लाने के लिए एक सफिशिएंट नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लाइक एलसीएम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फ्रैक्शन में अगर आता है तो, ठीक है, डिनोमिनेटर के एलसीएम से मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको 2.02 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ 1, यहाँ 1, यानी 2:1:1 आएगा। तो थर्ड स्टेप हमारा यही है, स्टेप 3, व्हाट इज दैट, कन्वर्ट द नंबर ऑफ मोल्स, और ये लिख लेते हैं, डिवाइड द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स बाय स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर टू फाइंड रेशियो, रेशियो, राइट ना। इफ इट इज नॉट होल नंबर, रिमेंबर हियर, इफ इट इज नॉट होल नंबर, होल नंबर, देन
मल्टीप्लाई बाय सफिशियंट कोफिशियंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर ये होल नंबर नहीं है तो सफिशियंट कोफिशियंट से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहां पर रेशियो क्या होगी, यहां पे रेशियो होगी इफ वी डिवाइड बाय 2.02 वी गेट द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन कार्बन एंड क्लोरीन एज क्या होगा, हाइड्रोजन कार्बन एंड क्लोरीन एज 2:1:1। नाउ अब अगला स्टेप क्या है, ये आ गया रेशियो आपका कि पता चल गया कि कार्बन अगर एक है तो हाइड्रोजन कितनी है, दो है। अगर कार्बन एक है तो हाइड्रोजन कितनी है, दो है, और क्लोरीन कितनी है, एक है, यानी 1:2:1 ऐसा लिख सकते हैं कोरिस्पोंडिंग। पहले यहाँ हाइड्रोजन लिखा है, पहले यहाँ हाइड्रोजन का रेशियो लिखा है, पहले यहाँ कार्बन लिख दिया तो पहले कार्बन के कोरिस्पोंडिंग नंबर लिखे। तो ये हो गया कि कार्बन हाइड्रोजन और क्लोरीन ऐसा है। अब इंपेरिकल फॉर्मूला लिखने के लिए इन्हीं रेशियो का इस्तेमाल करते हैं, और अगला स्टेप यही है हमारा, स्टेप 4, राइट द सिंबल्स फॉलोड बाय द नंबर्स, राइट इंपेरिकल फॉर्मूला एज सिंबल ऑफ एलिमेंट्स फॉलोड बाय देयर नंबर्स, कोरिस्पोंडिंग नंबर्स, नंबर ऑफ रेशियो, रेशियो ऑफ नंबर, राइट ना, नंबर एज सफिक्स सबस्क्रिप्ट, ठीक है, सबस्क्रिप्ट। तो ऐसा लिखेंगे, देयरफॉर इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऑफ कंपाउंड इज, कंपाउंड विल बी CH2Cl। अब हमें मोलेकुलर फॉर्मूला निकालना है, तो इंपेरिकल फॉर्मूला मास पहले निकालना होगा। सबसे पहले क्या निकालना होगा, स्टेप 5, टू फाइंड मोलेकुलर फॉर्मूला फ्रॉम इंपेरिकल फॉर्मूला फर्स्ट वी हैव टू फाइंड व्हाट, एन। इंपेरिकल फॉर्मूला फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड एन फॉर्मूला वी नीड टू फाइंड फाइंड एन नीड टू फाइंड एन जिसकी हमने चर्चा किया था, एन दैट इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। टू डू दिस क्या करना होगा, इसको करने के लिए सबसे पहले कैलकुलेट, फर्स्ट स्टेप इसमें, दो तीन स्टेप इसमें भी करने, कैलकुलेट द इंपेरिकल फॉर्मूला मास, राइट, दैट इज हाउ टू डू दिस एड द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट, राइट ना, विथ द रेशियो नंबर, राइट ना, एंड देयर आफ्टर व्हाट टू डू, रेशियो इंपेरिकल नंबर, एंड सेकेंड स्टेप इज दैट डिवाइड द मोलर मास बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास।
इंपेरिकल फॉर्मूला मास, फॉर्मूला मास टू गेट एन. सो देयरफॉर एन इज इक्वल टू टू गेट एन एंड देयरफॉर एन इज इक्वल टू व्हाट टू गेट एन. एन निकालने के लिए ये काम करेंगे. इसका मतलब ये हो गया कि एन इज इक्वल टू हो जाएगा मोलर मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास, इंपेरिकल फॉर्मूला मास, राइट. ये हो जाएगा. तो क्या करेंगे अब देखिए, यहां पे सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं. सो देयरफॉर इंपेरिकल फॉर्मूला मास इज इक्वल टू व्हाट, इंपेरिकल फॉर्मूला मास, इंपेरिकल फॉर्मूला मास मतलब मास ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है हमारा, CH2Cl. इसका मतलब हो गया C का मतलब 12, हाइड्रोजन का मतलब 1.12.01, यू कैन टेक इट 12.01 प्लस हाइड्रोजन का 1.008 इनटू 2 प्लस क्लोरीन का 35.5. सो दैट विल कम 49 पॉइंट, कितना होगा ये हो जाएगा 48 पॉइंट होगा समथिंग. दैट कैन बी कैलकुलेटेड एज 12.01 प्लस ये हो गया 2.016 प्लस 35.5 प्लस 12.011 होता है. आप ये भी ले लीजिए, तो ये कैलकुलेट करने के बाद हो जाएगा प्लस दिस. सो दैट विल बी 3 प्लस 6 प्लस 1 7 एंड 1 प्लस 1 2 प्लस 5 7, यू नो 1 प्लस 1 2 एंड दैट विल कम 1 प्लस 1 इज 2. Sorry, calculating. So that will come 49.48, right? So ये ग्राम आ गया. अब इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे ये. सो मोलर मास एन इज इक्वल टू, देयर फोर एन इज इक्वल टू, मोलर मास इज गिवेन हाउ मच, बट मोलर मास इज गिवेन ये दिया हुआ है 98.96 ग्राम. So therefore n can be calculated as, n कैसे calculate किया जा सकता है फिर बताइए. n is equal to, therefore n is equal to molar mass upon empirical formula mass. इसका मतलब ये हो गया कि हमें लिखना है 98.96 डिवाइडेड बाय 49.48 ग्राम. आपको देख के लग रहा है कि ये 2 आ जाएगा, तो 2 आ गया. इसलिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब आपको निकालना है तो आप n इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला कर सकते हैं. नाउ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैन बी रिटन एज, देयरफॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर्मूला इज इक्वल टू n इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, empirical formula. So therefore molecular formula of compound is 2 times of CH2Cl, that is C2H4Cl2. This is the molecular formula of compound, molecular formula. ये हो गया C2H4Cl2. ये पूरा का पूरा जो है ये molecular formula आ गया. तो ये अगला step है कि आपको क्या करना है, मोलेकुलर फॉर्मूला निकालने के लिए इंपेरिकल फॉर्मूला में जो n है उससे मल्टीप्लाई कर देना. तो इस तरह से किसी भी सब्सटेंस का अगर नंबर ऑफ मोल्स दिया हो, नंबर ऑफ मोल्स दिया हो, तो उसे हम क्या निकाल सकते हैं, मास निकाल सकते हैं, है ना, मास निकाल सकते हैं. और मास दिया हो सब्सटेंस का तो हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं, है ना. नंबर ऑफ मोल्स पता हो तो हम नंबर ऑफ मास निकाल सकते हैं.
मास निकाल सकते हैं और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी पता कर सकते हैं। और अगर इसी तरह से मॉलिक्यूल्स पता हो ना तो हम क्या कर सकते हैं, अगर ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता हो तो उसे मास भी निकाल सकते हैं, और मास पता हो तो उसे नंबर ऑफ मोल भी पता कर सकते हैं। तो ये तीनों ही चीजें एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड है ना, ये तीनों ही चीजें एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड। रिमेम्बर मोलिकुलर मास और मोलिकुलर मास ऑफ वोलेटाइल कंपाउंड, दिस इज सेड नोट, मोलिकुलर मास, मास ऑफ वोलेटाइल कंपाउंड, टाइल कंपाउंड कैन बी ऑब्टेंड एज, कैन बी ऑब्टेंड एज एज मोलिकुलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, मोलिकुलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, मोलिकुलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, राइट। सो दैट कैन बी कैलकुलेटेड। नाउ लेट अस कंसीडर वन मोर एग्जांपल, आई थिंक इट वुड बी बेटर इफ यू डिस्कस वन मोर एग्जांपल। सो एक सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और इस क्वेश्चन के बारे में एक अलग कंपोजिशन के हिसाब से फिर से एक हम इम्पेरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला डेराइव करते हैं। सो एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट कंटेन्स दिस परसेंट ऑफ सोडियम एंड 40.551% ऑफ सल्फर एंड 30.38% ऑफ ऑक्सीजन, कैलकुलेट द इम्पेरिकल फॉर्मूला, कैलकुलेट द इम्पेरिकल फॉर्मूला, द इम्पेरिकल फॉर्मूला, इम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, ऑफ द कंपाउंड, राइट। ये है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले अगर हम ये मान लें कि टोटल मास क्या है 100 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम, मोल्स ऑफ सोडियम दैट इज एन ए, सोडियम इज एन ए, एन ए इज व्हाट। सो गिवन मास डिवाइडेड बाय व्हाट, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23, सो दैट विल बी 1.266। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, अब क्या बच गया, सल्फर, सल्फर का क्या होगा, तो सल्फर का ये 40.51 डिवाइडेड बाय 32 इज इक्वल टू 1.266। और तीसरा जो है वो क्या है, वो है ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का कितना है, 30.38 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू 1.8, 1.897, लाइक दिस। अब क्या करनी है, इनकी सिंपलेस्ट रेशियो निकालनी है। तो रेशियो निकालने के लिए जो हमने कहा था कि आपको क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए, एन ए इज टू एस इज टू ओ। तो ये निकालने के लिए सिंपलेस्ट नंबर से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा, ये तो इससे डिवाइड करने पे क्या हो जाएगा, वन। तो रेशियो हो जाएगा 1:1:1 व्हाट, दिस इज 1.5 टाइम्स, 1.5 दैट इज 3/2। तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें, जैसे हमने बताया था कि अगर फ्रैक्शन आ जाए तो हम क्या करेंगे, उसको सिंपलेस्ट नंबर से डिवाइड कर देंगे। अगर इस बड़े वाले को छोटे वाले से डिवाइड किया था तो सीधे लग रहा है 1.5 आएगा, 1.5 को हमने 3/2 लिख दिया। तो एक सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये होल नंबर हो जाएगा। मतलब रेशियो क्या हो गई, 2:2:3। इसका मतलब सोडियम के 2 मॉलिक्यूल हैं और सल्फर के 2 मॉलिक्यूल हैं और ऑक्सीजन के, सल्फर के सॉरी 2 एटम हैं, सॉरी सोडियम के 2 एटम हैं, सल्फर के 2 एटम हैं और ऑक्सीजन के 3 एटम हैं। एंड देयरफॉर इंपेरिकल फॉर्मूला कैन बी रिटन एज, इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला विल बी व्हाट, Na2, राइट, S2O3, दैट इज आंसर। तो ये इतना आसान है,
आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है। उतने सारा स्टेप लिखा था इसलिए वो लंबा हो रहा था, अदरवाइज इतना लंबा है नहीं। आप क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से कर सकते हैं, सिर्फ आपको परसेंटेज कंपोजिशन मालूम होना चाहिए। और परसेंटेज का मतलब ही है कि 100 ग्राम में है तो हम उसमें इतना ग्राम ले लेंगे और उसमें उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। और नंबर ऑफ मोल्स आपको जब एक बार पता चल गया तो आप क्या कर सकते हैं कि उसके सिंपलेस्ट नंबर से आपको डिवाइड करना है। सिंपलेस्ट नंबर से अगर आपने डिवाइड कर दिया तो ये रेशियो निकल के आ जाता है, और रेशियो निकल के आ गया तो आप उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है ना, एक एग्जांपल और ले लेते हैं और जल्दी से देखिए इसको कैसे करेंगे। 2.746 ग्राम ऑफ ए कंपाउंड कंटेन्स सिल्वर दिस, सल्फर दिस ग्राम एंड ऑक्सीजन ए 0.538 ग्राम। कैलकुलेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, राइट। सो दिस इज ए क्वेश्चन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ परसेंटेज नहीं दिया हुआ, यहाँ मास दिया हुआ है। ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे सीधे सीधे मास दिया हुआ है, तो इस मास के कंपोजिशन में से इतना सिल्वर है, इतना ये सल्फर है और इतना ऑक्सीजन है। तो हम सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं कि क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एजी सिल्वर, कितना क्या होता है। गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास होता है ना, ये तो पता ही है आपको। तो आप क्या करेंगे, ये है 1.94 ग्राम डिवाइडेड बाय, सिल्वर का एटॉमिक मास होता है 108 ग्राम, तो ये डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, आएगा 0.0179। एंड इसी तरह से हम बाकियों का भी निकाल लेते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर, देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर इज इक्वल टू हाउ मच। तो ये गिवन मास है आपका 0.268 डिवाइडेड बाय 32 ग्राम है ना, तो इसे ये सिल्वर का मोल मिल जाएगा। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, अगर हम निकाले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा 0.538 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना 16, इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। तो अगर आप इनकी रेशियो निकालना चाहें, देयरफॉर आप रेशियो निकालना है सिल्वर का, सल्फर का और ऑक्सीजन का, तो सबसे छोटे नंबर से इससे डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 0.179 डिवाइडेड बाय 8.375 इंटू 10 to the power -3, इसे डिवाइड करोगे। और चूंकि इसी से डिवाइड कर रहे हो तो ये 1 ही होगा, और इसमें क्या होगा कि इससे डिवाइड करेंगे फिर तो क्या होगा, 0.0336 डिवाइडेड बाय 8.375 इंटू 10 to the power -3। अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये रेशियो आएगी, कितनी आएगी ये रेशियो, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, ये 1 आएगा और ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 2, और ये 1 और ये 4। इसका मतलब इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, अप्रोक्स वैल्यू आएगी 2.01, 4.01 ऐसा कुछ आ रहा है। तो इसको डिवाइड करने पे ये अप्रोक्स वैल्यू ले लिया हमने, बहुत ही करीबी मामला है इसलिए ले सकते हैं 214। तो 214 होने का मतलब कि सिल्वर जो है क्या होगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, सिल्वर जो है उसके 2 आइटम है, सल्फर के 1 और ऑक्सीजन के 4। तो क्या लिखेंगे, Ag2SO4 एंड देयरफॉर एम्पेरिकल फॉर्मूला विल बी, एम्पेरिकल फॉर्मूला कंपाउंड विल बी, एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ दैट कंपाउंड विल बी, ऑफ कंपाउंड विल बी, कंपाउंड विल बी Ag2SO4, 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 ये हो गया इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये हो गया आंसर। तो इस तरीके से आप देख पाए कि क्या करेंगे, हम एम्पिरिकल फॉर्मूला को लिख सकते हैं। अगर इसका मोलिकुलर फॉर्मूला लिखना होता तो हम क्या करते, अगर गिवन मास दिया है जैसे यहाँ पे, मान लीजिए इसका मोलिकुलर फॉर्मूला भी लिखना हो तो अब मोलिकुलर फॉर्मूला इसका कैसे लिखेंगे,